शितोरियो कराटे ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित 33वीं ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में विजय श्री प्राप्त करने के बाद राजस्थान की टीम आज अजमेर पहुंची। राजस्थान की इस टीम में अजमेर के 6 खिलाड़ियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन खिलाड़ियों ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर अजमेर का नाम रोशन किया। जानकारी देते हुए कोच प्रदीप वर्मा ने बताया कि इस ओपन चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों से लगभग 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इन खिलाड़ियों में से अजमेर के खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर ये पदक जीते हैं। ये प्रतियोगिता मसूरी में आयोजित की गयी थी। प्रतियोगिता में बच्चे जीत कर ऑल इंडिया कराटे टूर्नामेंट थी, शितोरियो कराटे का नेशनल टूर्नामेंट था, जिसमें पूरे देश भर के 600 कराटे प्लेयर्स ने कराटे की काता और कुमिते स्पर्धा में हिस्सा लिया। अजमेर से 6 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें 3 गोल्ड मेडल लिए बच्चों ने और 5 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो नेशनल टूर्नामेंट और इंटरनेशनल है, उसमें अजमेर के बच्चे आगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे से अजमेर का नाम रोशन कर पाएंगे। ये मसूरी में ऑल इंडिया टूर्नामेंट था, शितोरियो का नेशनल कराटे टूर्नामेंट, जिसमें पूरे देश भर के 600 बच्चों ने हिस्सा लिया। उसमें बच्चों ने मेडल प्राप्त करके अजमेर और राजस्थान का नाम रोशन किया। किस वर्ग में हासिल किए बच्चों ने? अलग अलग वर्ग हैं, जैसे 7 से 8 साल वाले भी बच्चे हैं छोटे हमारे साथ में, गर्ल्स बॉयज में। उसके बाद 10 से 11 वाले वर्ग में हैं। उसके बाद में 16 से 17 मेल और फीमेल में दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दोनों ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त। गोल्ड मेडल किस किस को मिला? कृतिका चौहान को गोल्ड मेडल मिला है, आभास सोनी को गोल्ड मेडल मिला है और बाकी बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, सबने ब्रॉन्ज मेडल। आपका नाम? प्रदीप वर्मा, ब्लैक बेल्ट 3rd degree। आपका नाम? मेरा नाम सचिन।